यूनिक है। जब गाना आएगा, जब उसके बाद अब नेक्स्ट लाइव में हम बताएंगे ये गाना बना कैसे था, फिर मैं बताऊंगा कि अदनान भाई और मैं मिले कैसे, हम दोनों ने मतलब चेलअप कैसे करा और ये बॉन्ड बना कैसे, इतना प्यार हुआ कैसे दोनों के बीच में। बहुत मजा आया मुझे भी काम करके तेजस्वी भाई के साथ में, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा वाइब था, पूरी टीम का, कटारिया भाई और वसीम भाई जितने भी लोग थे सभी बहुत अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और ऐसे लगा ही नहीं कि शूट की थी हम लोग ये, अगर तो हम पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और उसी में शूट हो गया। बहुत मजा आया भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं अभी इसका फर्स्ट लुक। मैं तो बस पोस्टर तो देखे लोग, मगर मुझे पता है कि लोगों का रिएक्शन फर्स्ट लुक पे क्या रहने वाला है, आंख ऐसे बड़ी हो जाएगी, लोग बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं अपने को तो पता है उसका आउटपुट क्या आने वाला है, अपुन ने शूट किया है और जिस तरीके से आप तो आ रहे टीजर के अंदर, उसमें तो गेम ओवर हो जाएगी, जैसे आपकी फिंगर्स मूव कर रही है। और स्नेहा भी बहुत अच्छी डांसर है, स्नेहा ने जो पंप करा है ना वो बहुत ज्यादा पंप, चार चांद लगा दिए उसने, बहुत सही डांस करा है। फैजल भाई ने शूट बहुत अच्छा करा, मतलब बोलो, हमें पता भी नहीं था कि नेक्स्ट कौन आने वाला है, और स्नेहा आई और मतलब बवाल था, हमें लग नहीं रहा था कि कुछ होगा, या फिर मतलब मेरे को अंदर से थोड़ा सा ही होने लग गया था कि मेरे मतलब अदनान भाई और हम ऐसे थे कि यार हम तो कैमरा खा जाएंगे, कैमरा आएगा तो हम फाड़ देंगे चीर, मतलब सब कुछ एंड कर देंगे, और जैसे ही स्नेहा आई हम दोनों बैठ गए कि भाई ये क्या बवाल है, ठंडे पड़ गए थोड़े। ये चीज हो गई है, हाँ ये चीज हो गई है हमारे साथ। वसीम भाई और दिल्ली की पूरी टीम, विनीत सर, कटारिया साहब, गुरनीत, सारे जितने भी आए, जितना भी लोग लगा गाने के अंदर, उसका सब वर्थ आप लोग निकालोगे एक तरीके को, और अभी आप लोग की भी हेल्प चाहिए, जैसे कि एक टीम वर्क के हिसाब से अभी गाने का आउटपुट आने वाला है, तो वैसे ही आप लोग के प्यार के बिना भी वो अधूरा रहेगा, तो जितने भी लोग देख रहे हैं पोस्टर पे आके प्यार दिखाओ, जितने भी फैन पेज है उसको शेयर करो जितना हो सके, उस पर पोस्टर को शेयर करो। और मैं एक चीज और भी प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम थोड़ा सा म्यूजिक इनको पहले दे दे रील्स बनाने के लिए, थोड़ा सा बिल्कुल है ना, थोड़ा सा, या फिर अपना 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 गाने वाला शेयर जो है, जो स्टार्टिंग में है जो शेयर आता है जो भाई बता रहे हैं वो गाने का एकदम स्टार्ट है उससे, मगर आगे की वाइब और ज्यादा तरक्की बढ़ती है, मगर एक आप लोग को एक समझ में आ जाएगा कि इसको उसका आउटकम क्या आने वाला है, मतलब ये स्टार्टर है तो मेन कोर्स क्या रहने वाला है। मैं ऐसा करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ना टीजर के अंदर ही वो वाला डायलॉग डाल देते हैं, और उस पर रील्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये करते चलेगा चलेगा। साउंड बोर्ड आप बनाओ और उसके बाद में गाना आ जाएगा ना, जब मेन ज्यादा रील्स का गाना अपना इंस्टाग्राम म्यूजिक पे आ जाएगा ना, उसके बाद बनाने हमें वर्थ है, क्योंकि पहले बनाएंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड बोर्ड से बनेगा तो मजा नहीं आएगी। आपका ओरिजिनल साउंड बोर्ड रहेगा ना, जब इंस्टाग्राम जिनसे डायरेक्ट यूज होगा ना तो उस पर रील्स बनाएंगे ना, तो वो ज्यादा बहुत जल्द मिलते हैं मुंबई, आपके मुंबई आने से पहले हो सकता है मेरी प्लानिंग चालू है दिल्ली आने की, आ जाओ आ जाओ, मैं 27-28 को आ रहा हूँ, अगर आप उससे पहले आते हैं, हाँ अगर आप उससे पहले आते तो अपन आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, आ जाओ।